अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान सा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने का। हमेशा स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको वो चार्ट बनाना मुश्किल लगता है, जो जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, टाइम लग जाता है, स्टूडेंट्स उस चार्ट के बनाने से भागते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद ये रखना है कि एस यहाँ पर स्टैंड करेगा फॉर स्कूल, पी स्टैंड करेगा पब्लिक, डी स्टैंड करेगा फॉर डिविजनल, एफ स्टैंड करेगा फॉर फेडरल, ठीक है। और आपने हर एक जो है एस पी डी एफ को टू टू टाइम रिपीट करना है, जैसे स्कूल एस स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, मतलब हर जो लेटर है उसको टू टू टाइम्स आपने रिपीट करना है। समझ आ रही है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपके पास अरेंजमेंट होगी किसकी, सब शेल्स की, या जिनको आप ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब मैं आपको इसके एनर्जी लेवल के लिहाज से नंबरिंग करना बताती हूँ कि वो कैसे करनी है। जब आपने एस की नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपने वन से स्टार्ट करनी है, हर एस के साथ वन लिखें, फिर टू एस, फिर थ्री एस, फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है। जब अब आप पी की बारी है, पी को आपने वन से नहीं स्टार्ट करना, टू से स्टार्ट करनी है उसकी नंबरिंग, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब डी की बारी है, डी को आपने थ्री से स्टार्ट करना है, थ्री फोर फाइव सिक्स। अब एफ की बारी है, एफ को आपने फोर से स्टार्ट करना है, एफ कहाँ है, ये फोर और ये आ गया फाइव। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब देखें ये हमारे पास सारे जो है ना ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स अरेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। अब आप आराम से कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं सोडियम